वो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जब आए थे बहुत दावों वादों के साथ आए थे, लेकिन अब तो लोकपाल बिल तक गायब हो गया। देखिए जितना काम आम आदमी पार्टी ने करा, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। आप खुद बताइए, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर काम करा है ना आप। ये भाई साहब ने एक क्वेश्चन उठाया GST, स्वास्थ्य में मेडिक्लेम के ऊपर 18% GST है, डायमंड के ऊपर 1.5% GST है, आटे दाल किताबों के ऊपर 5% 10% GST है। आपने जहाँ पे ब्लैकमेलिंग करी, गाड़ियाँ महंगी करी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपने जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनके लाखों करोड़ रुपए के जो कर्जे हैं वो माफ़ करे हैं, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर के लिए कुछ नहीं करा। जनता की तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है? मैं सर से ये कहना चाहूँगा कि बिजली और पानी के लिए दिल्ली के अंदर में किस क्षेत्र में, किस एरिया में, किस कॉलोनी में काम किया गया है आप मुझे बताएंगे? मेरा बिजली का बिल अभी का मैं दिखलाता हूँ, जो आज ही मेरे पास में मैसेज आया है मेरे घर के बिजली का बिल। आप कह रहे हैं बिजली फ्री, और पानी, पानी कैसा आ रहा है? पीने के लायक बिल्कुल पानी नहीं है, 20 लीटर की पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। कितने का बिल आया ये देखिए, मैंने अभी ओपन नहीं किया, ये देखिए 2200 रुपए का, ये देखिए, देखिए ये दिखा रही जनता है, ये दिल्ली की जनता के जो बिजली के बिल माफी की बात की थी, 2200 रुपए बिल। अरे दरअसल जो स्कीम है वो 200 यूनिट तक फ्री है। जो स्कीम है 200 यूनिट तक, मेरी बात सुनिए भाई साहब, 200 यूनिट करने के पीछे और जो बिजली के बिल के पीछे और पानी के पीछे ये मंशा है, जो गरीब आदमी है उसको बिजली पानी फ्री मिलेगी, जो अफोर्ड कर सकता है उसको बिल देना पड़ेगा। अगर आप एसी चलाओगे, आप कूलर चलाओगे, आप टीवी चलाओगे, आप वॉशिंग मशीन चलाओगे, सबके लिए फ्री नहीं बोलना चाहिए ना, फिर सबके लिए फ्री नहीं बोलना चाहिए। फ्री नहीं है, जब बिजली पानी फ्री नहीं था तब मेरा 800 रुपए 700 रुपए बिल आता था, अब 2200 रुपए आने लगा है जबकि फ्री होने के बाद। और दूसरी बात, पहले उनका ये कहना है कि जब फ्री नहीं था तब उनका बिल 800 रुपए आता था और अब फ्री होने के बाद भी 2200 रुपए आ रहा है। ठीक है, ये जो स्कीम्स हैं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए स्कीम है, सारे देश को फ्री नहीं दिया जा सकता।